चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सूरज की स्टडी करने के लिए तैयार है। आदित्य L1 स्पेस क्रॉफ्ट को PSLV-C57 रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करने वाला पहला भारतीय मिशन है। यह स्पेस क्रॉफ्ट लॉन्च होने के 4 महीने बाद लैग्रेंज पॉइंट तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके चलते यहां से सूरज की स्टडी आसानी से की जा सकती है। इस मिशन की अनुमानित लागत 378 करोड़ रुपए है। आदित्य स्पेस क्राफ्ट को L1 पॉइंट तक पहुंचाने में करीब 120 दिन यानी 4 महीने लगेंगे। ये 120 दिन 31 दिसंबर 2023 को पूरे होंगे। अगर मिशन सफल रहा और आदित्य स्पेस क्राफ्ट लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर पहुंच गया तो 2023 में इसरो के नाम दूसरी बड़ी उपलब्धि होगी। आइए अब जानते हैं सूर्य की स्टडी करना क्यों जरूरी है। जिस सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी है उसका केंद्र सूर्य ही है। सभी 8 ग्रह सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं। सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य से लगातार ऊर्जा बहती है, इन्हें हम चार्ज्ड पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। सूर्य का अध्ययन करके ये समझा जा सकता है कि सूर्य में होने वाले बदलाव अंतरिक्ष को और पृथ्वी पर जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। लैग्रेंज पॉइंट L1 क्या है? लैग्रेंज पॉइंट का नाम इतावली फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। इसे बोलचाल में L1 नाम से जाना जाता है। ऐसे 5 पॉइंट धरती और सूर्य के बीच हैं, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है। ऐसे में इस जगह पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वो आसानी से दोनों के बीच स्थिर रहता है और एनर्जी भी कम लगती है। पहला लैग्रेंज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। L1 पॉइंट पर ग्रहण बेअसर, इसलिए यहां भेजा जा रहा है आदित्ययान को। सूर्य और पृथ्वी के बीच हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसरो का कहना है कि L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखा गया है। सैटेलाइट सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है। इससे रियल टाइम सोलर एक्टिविटीज और अंतरिक्ष के मौसम पर भी नजर रखी जा सकेगी। आदित्य L1 के 7 इक्विपमेंट सूर्य को समझेंगे। आदित्ययान L1 सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन पॉइंट पर रहकर सूर्य पर उठने वाले तूफानों को समझेगा। ये लैग्रेंजियन पॉइंट के चारों ओर की कक्षा, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर के अलावा सबसे बाहरी परत कोरोना की अलग अलग वेब बेल्ट से 7 इक्विपमेंट्स के जरिए टेस्टिंग करेगा। आदित्य L1 7 इक्विपमेंट्स कोरोना हीटिंग, कोरोना मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेरियर एक्टिविटीज की विशेषताएं, पार्टिकल्स के मूवमेंट और स्पेस वेदर को समझने के लिए जानकारी देगा। आदित्य L1 मिशन के साथ जो 7 इक्विपमेंट भेजे जाएंगे उनके नाम हैं विजिबल एमिशन लाइफ कोरोनाग्राफ, सोलर अल्ट्रा वोल्टेज इमेजिंग टेलीस्कोप, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिट एक्सरे और मैग्नोमीटर पेलोड, विजुअल मिशन लाइन कोरोनोग्राफ और इक्विपमेंट, सोलर कोरोना और कोरोना मास इंजेक्शन के डायनामिक का अध्ययन करेगा। सोलर अल्ट्रा वोल्टेज इमेजिंग टेलीस्कोप इक्विपमेंट अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ के करीब सोलर फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीर लेगा और सोलर इरेडियंस में बदलावों का अध्ययन करेगा।